हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी प्लाविता। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों की कमेंट्स और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं फिर आज आप लोग के सामने लाई हूँ एक हेयर कट वीडियो, जो है लोफ हेयर कटिंग लॉ, जिसमें मैं क्या करने जा रही हूँ, जिसको आप लॉन्ग बॉब भी बोल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अपनी क्लाइंट को पूछ के उसको कितना बाल की कटिंग करनी है, ये पैसे मैंने पहले मैंने कंफर्म कर ली है। फिर मैं क्या करूँगी, उनकी बालों को थोड़ा 0 डिग्री पे बीच में काट के बाहर की तरफ लेके बालों को कट करूँगी। ये देखिए मैं कैसे बालों को कट कर रही हूँ। बालों की कटिंग की प्रोसेस आप लोग देखिए, कैसे मैं बाहर की तरफ नीचे की तरफ बालों को, साइड की जो बाल है ना, वो बीच में से नीचे की तरफ ले जाके मैं हाथ कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट कटिंग कंप्लीट हो गया है और मैं अभी थोड़ा सा रीचेक कर रही हूँ, कहीं बाल छोटा लंबा ना रह जाए। मैं उनकी बालों का और एक सेक्शन निकाल लूँगी, फिर मैं उसमें कटिंग करूँगी। आप लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बाल निकाल के कटिंग कीजिए तो हमेशा कटिंग क्या होता है, अच्छा होता है। हमेशा अगर आप कम बालों पे कटिंग करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने अभी सेकंड सेक्शन लीजिए, पहले की गाइडलाइन को लेके थोड़ा सा बालों को थोड़ा सा ऊपर करके मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बाहर की तरफ मेरी कटिंग ना, बीच में से बिल्कुल बाहर की तरफ लेके मैं बालों को कट कर रही हूँ। ये देखिए, आप लोग धीरे अच्छी तरह प्रोसेस देखिए, अगर ये प्रोसेस आप लोग फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा हेयर की बालों की अच्छा कटिंग निकलती है। लेकिन मेरी जो इसकी क्लाइंट की बाल थोड़ा सा ऑयली हो रखे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी लड़की नहीं है, छोटी लड़की है, तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया। और ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ बाहर के बालों को लेके, कहीं बाल मेरा दोनों का साइड एक समान हुआ है कि नहीं। और ये प्रिटी इक्वल है और थोड़ा सा बाल, हाँ ये निकल के आया है लंबा, तो मैं उसे कट कर दे रही हूँ। और मैं वही बोल रही थी कि मैं उनकी बालों को शैम्पू नहीं कराया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ही छोटी लड़की थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कहीं उनको ठंड ना लग जाए। तो मैंने वैसे ही उनकी बालों पे आज हेयर कटिंग कर ली है, क्योंकि शाम का वक्त हो रखा था और आज बहुत ठंड भी ज़्यादा पड़ रही थी। और ये देखिए मैंने थर्ड सेक्शन निकाल लिया है, अभी थर्ड सेक्शन में भी मैं उसी प्रोसेस से हेयर कटिंग करूँगी। ये देखिए कैसे मैं बालों को ना बाहर की तरफ ले जाके हाँ कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए लोग हमेशा बाल की जब कटिंग करती है, हेयर कटिंग से पहले बालों को अगर शैम्पू ना भी करे तो अगर अच्छी तरह से गीला कर ले तो भी कटिंग करना बहुत ही आसान होता है गीले बालों में। और ये देखिए मैं फोर्थ सेक्शन निकाल रही हूँ उनकी बालों की, अभी मैं फोर्थ सेक्शन में कटिंग करूँगी। द सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसी तरह से बालों को बीच में कटिंग करके उसी गाइडलाइन में आप लोगों को बाहर की तरफ बालों को कट करना है। आप लोग किस डायरेक्शन में बालों को किस एंगल में मैं कट करी हूँ वो आप लोग ठीक तरह से देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये देखिए मेरा फोर्थ सेक्शन भी मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। और मैं आप लोगों को इस तरह से बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई नए भी सीख रहे होंगे तो उनको भी आसान होगा सीखना, लेकिन जो ऑलरेडी हेयर कटिंग कर रहे हैं उनके वो तो सच्चे समझ जाते हैं, लेकिन जो नए नए हेयर कटिंग सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझा रही हूँ। देखिए अभी मैं फिर चेक कर रही हूँ बाहर के बालों को लेके कि कहीं मेरा दोनों तरफ साइड का बाल इक्वल हुआ है कि नहीं। ये थोड़ा सा हेयर ज़्यादा था इस तरफ, तो मैंने उसको कट करके फिर उसको रीचेक किया है। इसी तरह से आप लोग धीरे धीरे एक एक सेक्शन लेके बालों की कटिंग कीजिए। मैं उनकी हेयर के लास्ट सेक्शन पे कटिंग करूँगी। ये देखिए मेरा लास्ट सेक्शन, मैं अब इस बालों पे कटिंग करूँगी। मेरा फर्स्ट पीछे का लास्ट सेक्शन यह मैंने ले लिया है और उसी प्रोसेस से मैं कटिंग करती जाऊँगी। पहले बीच में
स्ट्रेट कट करके साइड के बालों को जो मैंने पहले कट किया था उसी बेस गाइडलाइन को लेके बाहर की तरफ ले जाके कट करूँगी। ये देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग देखते जाइए मेरे वीडियो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी मैं उनकी जो क्राउन एरिया के बाल है, ऊपर के क्राउन एरिया के बालों को लेके थोड़ा सा उन पे मैं लेयर्स डालूँगी, जिससे कि उनके बालों में ना थोड़ा सा बाउंस आ जाए। जो उनके क्राउन एरिया के बाल है, ज़्यादा नीचे की नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, उनके जो क्राउन एरिया के बाल है उसमें मैं थोड़ा सा लेयरिंग लाऊँगी, जिससे कि उनके बालों में ना एक बाउंस आ जाएगा। अगर कोई प्लेन कट भी कर रहे हैं और अगर इस तरह से क्राउन एरिया पे थोड़ा सा आप लोग बालों पे लेयरिंग कर देना, तो क्या होता है, बालों में एक बाउंस आ जाता है। और जो फ्लैट बाल होते हैं, जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होते हैं, उनमें भी एक बाउंस आ जाता है। तो आप लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल हेयर कटिंग में भी, जो आप लोग बिल्कुल प्लेन कट जिसमें करते हैं उसमें भी आप लोग ये कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, इस एरिया पे थोड़ा इक्वल कट करके आगे के बालों को फिर बाहर की तरफ लेके कट करूँगी। और मैं अभी उनके आगे के बालों में भी, जो क्राउन एरिया के पास जो आगे के बाल है, उसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाके के कट करूँगी, जिससे आगे में भी थोड़ा उनका लेयर आ जाएगा बालों का। और आगे मैं उनकी बैंग्स बनाऊँगी, अच्छी लगती है लड़कियाँ बैंग इस हेयर कट के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में लाइक कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और वीडियोस को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कुछ देखने में मेरे से, तो ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा, अगर मुझे सांस मिलेगा और मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए वो वीडियो। लेकिन हर एक किसी का
डिमांड पूरी करना भी इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सबकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करूँगी, ये प्रॉमिस करती हूँ। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, वो भी मैं करूँगी कंप्लीट धीरे धीरे। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मेरी क्लाइंट की हेयर कटिंग लगभग कंप्लीट ही हो गई है, लेकिन पीछे अभी मैं थोड़ा सा जो ऊपर के बालों में उनकी पॉइंट कट करूँगी, जिससे कि उनकी एजेस ना शार्प लगे। और ये है मेरी हेयर कटिंग के लास्ट स्टेप। लास्ट में मैंने उनके जो थोड़ा सा ऊपर की बाल है जिसमें मैंने लेयरिंग की थी, उसमें ना पॉइंट कट की है, जिससे कि उनकी एजेस बहुत ही ज़्यादा शार्प नज़र आती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नया हेयर कटिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।